मॉर्निंग फ्रेंड्स, फ्रेजल वर्ब। सबसे पहली फ्रेजल वर्ब है ब्रेकडाउन। ब्रेकडाउन का मतलब क्या होता है? ऑफ ए मशीन और मोटर व्हीकल सडनली सीज टू फंक्शन। मतलब क्या कि कोई भी मशीन है या कोई भी मोटर व्हीकल है जो एकदम सडनली बंद हो जाए, एकदम सीज हो जाए, तो उसका मतलब क्या होता है? ब्रेकडाउन हो गया वो। ठीक है, एग्जाम्पल क्या है? आवर कार ब्रोक डाउन एंड वी हैड टू पुश इट ऑफ द रोड। इसका एक और मीनिंग होता है, वो क्या? टू बी अनेबल टू कंट्रोल योर फीलिंग्स एंड टू स्टार्ट टू क्राई। क्या मतलब हुआ इसका? कि आप अपनी भावनाओं में बह के रोने लग जाते हो। मतलब क्या है कि आप अपने इमोशंस को कंट्रोल नहीं कर पाते हो और उसके बाद क्या, रोने लग जाते हो। तो इसका एक मतलब ये भी होता है। When example क्या है? When we gave her the bad news, she broke down and cried। मतलब क्या कि हमने उसको बैड न्यूज सुनाई और क्या हो गई, वो ब्रोक डाउन हो गई और रोने लगी। उसके बाद है नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब है ब्रेक इनटू। टू गेट इनटू ए बिल्डिंग और कार यूजिंग फोर्स, यूजली टू स्टील समथिंग। एग्जांपल क्या है? द बर्गलर्स ब्रोक इन थ्रू द किचन विंडो। बर्गलर्स का मतलब क्या होता है? चोर या डाकू। क्या उन्होंने क्या किया? ब्रोक इन थ्रू द किचन विंडो। किसके थ्रू अंदर आए वो? तोड़ के किसको? किचन की विंडो को। उसके बाद नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब है ब्रेक आउट। ये इसका मीनिंग क्या होता है? ऑफ वॉर फाइटिंग और सिमिलरली अनडिजायरेबल थिंग्स स्टार्ट सडनली। इन सिंपल लैंग्वेज हम इस वर्ड ब्रेकआउट को कहां पे यूज करते हैं? कोई भी लड़ाई झगड़ा है, वॉर है उसमें, या सिमिलरली कोई अनडिजायरेबल थिंग जो एकदम सडनली हो जाए, जैसे कोविड है, कोविड ब्रेकआउट हो गया, ठीक है, वहां पे हम यूज करते हैं। या फिर कोई ऐसी लड़ाई झगड़ा है वहां पे हम यूज करते हैं कि वो ब्रेकआउट हो गया। ठीक है, उसके बाद इसका एग्जांपल देखो, वॉर ब्रेक आउट इन 1914। लड़ाई सडनली कब स्टार्ट, ब्रोक आउट सडनली स्टार्ट हो गई कब? इन 1914 में। इसका एक और मीनिंग वो क्या होता है? टू एस्केप फ्रॉम प्रिजन। मतलब क्या कि जेल से भाग जाना। एग्जांपल, दे ब्रोक आउट ऑफ प्रिजन एंड फ्लेड द कंट्री। जेल तोड़ के भाग गए और किसको? कंट्री को भी छोड़ के भाग गए। उसके बाद नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब है ब्रेक अप। ब्रेकअप तो आपने नॉर्मली सुना ही होगा, टूट जाना कोई भी चीज, रिश्ता टूट जाना, टू एंड किसी का, मीटिंग ए रिलेशनशिप, ठीक है, उसका एंड होना। जैसे एग्जांपल देखो, आफ्टर एन हावर द मीटिंग ब्रोक अप। एक घंटे के बाद क्या है? मीटिंग टूट गई, एंड हो गई, खत्म हो गई। उसके बाद कुल्लू एंड चंपा हैव ब्रोकन अप। दोनों का ब्रेकअप हो गया, एंड हो गया किसी चीज का, रिलेशनशिप का एंड हो गया, तो वहां पे हम यूज करते हैं ब्रेकअप। उसके बाद नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब है ब्रेक विद। इसका क्या मतलब होता है? ब्रेक विद क्या है मीनिंग इसका? क्वारल एंड सीज रिलेशनशिप विद समवन। मतलब क्या होता है? किसी के साथ अपना रिश्ता खत्म कर देना या किसी का रिश्ता खत्म हो जाना कंप्लीटली, तो वहां पे हम यूज करते हैं ब्रेक विद। की जैसे कि एक फादर अपने बेटे को बोल रहा है कि मैंने आपको अपनी जमीन जायदाद से बेदखल कर दिया, तो ब्रेक विद कर दिया है। ठीक है, एग्जाम्पल क्या है? ही हैड ब्रोकन विद हिज फैमिली लॉन्ग बिफोर। कि वो अपनी फैमिली से सारे रिश्ते नाते तोड़ के कहीं दूर भाग गया है किसी जॉब के लिए या कोई भी काम के लिए। उसके बाद इसका और मीनिंग है एक्ट इन ए वे दैट इज नॉट इन अकॉर्डेंस विद ए कस्टम और ट्रेडिशन। पुराना जो कल्चर था, जो ट्रेडिशन था, उसको अगर आप नहीं मान रहे हैं तो आप क्या कर रहे हैं? ब्रेक विद करें। तो वहां पे भी हम इस वर्ड को यूज करते हैं, फ्रेजल वर्ब को ब्रेक विद करना। ठीक है, एग्जांपल क्या है? स्ट्रॉन्ग डिजायर टू ब्रेक विद ट्रेडिशन। मतलब क्या कि एक परंपरा जो चली आ रही है आपको उसने तोड़ दिया, तो वहां पे हम यूज करते हैं ब्रेक विद। तो ये थी फ्रेजल वर्ब। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।